Shri Bhupinder Singh. He has heart. Yeah, yeah. I don't think. Bhupinder Singh. You have only 3 minutes. No, sir. And I don't know. No, five. Everybody's time has been curtailed. I have given nine amendments. Okay, start the debate, please. I have given nine amendments, sir. Don't be reasonable. Nine amendments. Everybody's time has been curtailed. You are not an exception, please. No, no, thank you. Okay, carry on. So, but my party time would be. Carry on, please. Sir, Vice Chairman, sir, I stand here to. I have given some from my party side 9 amendments to this bill. Sir, ye Aadhaar bill jo hai, ye mandatory karne ki kyon sochi gayi hai? Is desh ki agar aap manchitra ko dekhenge, aise states hamara jaisa Odisha hai, 53,000 se jyada gaon hai. Aur wahan pe communication ka और 20 साल भी लग जाएगा चाहे अपन कितना स्लोगन दें चाहे अपन यहां पे नेशनल बजट को जितना बढ़ाएं और जो कुछ कर दें तब भी हम वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक एक 15-15, 20-20 किलोमीटर में एक एक बैंक भी नहीं है और काफी लोगों का उसमें बैंक अकाउंट भी अभी तक नहीं खुला गया है और ये बात जो बायोमेट्रिक की बात बाकी सदस्यों ने कहा अब तो टाइम नहीं देंगे इसमें यहाँ जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका भी जो बायोमेट्रिक है यहाँ पे अभी चल रहा है सर 67 रूम में उनका भी बायोमेट्रिक जब देखा गया फिंगर थंब प्रिंट तो वो भी गलत निकल रहा है कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं यहीं पे इस हाउस इस बिल्डिंग के ऊपर सो दिस इज द सिचुएशन सर कोई भी इसीलिए इसको एक मान ना माना जाए जितने भी अभी तक हमारे पास आईडी कार्ड दिए गए हैं प्रूफ कार्ड हैं लाइसेंस से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से लेके तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि आपको जो पार्लियामेंट ने दिया है कार्ड या आई कार्ड इससे बड़ा आधार हो जाएगा ये कार्ड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ये सिटीजन तो ये भी एक जवाब हम चाहते हैं चार आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्लज 4 में आप वहां बोल रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी फॉर इंडिविजुअल क्लज 7 में आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्लास 4 में आप बोल रहे हैं और क्लास 7 में वहीं पे आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो हमारा सर ये कहने का है कि आप इसके ऊपर क्यों सर व्हाई लेट मी आप ऐसा कहेंगे तो मैं बोल नहीं सकूंगा नहीं मैं तो कुछ बोला ही नहीं नहीं आप तो बस ऐसा मैं मत तो देख रहा था आप बोलिए आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा ठीक रहे क्योंकि मैंने आपके लिए ही बोल रहा हूँ आपके रूम के उपवास ही हो रहा है ये जो डिजिटल लॉक चल रहा है तो सर मेरा कहने का है कि ये जो आज आप अमेरिकन एम्बेसी में जाइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप आधार कार्ड को अगर लेके जाएंगे तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट अगर ये गलत है तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा सरकार अपनी राय दे सर अगर आप चाहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करें हम सपोर्ट करेंगे हम तो सोचते थे इसको मनी बिल बुला के आप और राज्यसभा को वंचित करेंगे लेकिन इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि सरकार को कम से कम इसको ये सेशन में ले आए नहीं तो ये वैसे वासवे होकर चले जाता है हम लोगों को बोलने का भी मौका नहीं मिलता लेकिन इसके ऊपर जो पिछले सरकार ने स्टैंडिंग कमिटी ने जो चेयरमैन की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर आपने ये बिल जब बनाया उनको कितना आपने गौर किया वो भी आपके पार्टी के एक बहुत बड़े बीजेपी के बहुत बड़े NDA के लीडर रहे हैं तो सर यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि कम से कम इसको आप जो इसमें क्लॉज 57 है ये जो मैंडेटरी प्रोविजन है इसको उठा रखा इसको वहां पे ना रखा जाए और एक मौका दिया जाए जो हम लोगों ने यहाँ पे आज सर अमेंडमेंट लाए हैं हम वो अमेंडमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार राजी क्यों नहीं होगी राजी नहीं क्यों होगी उसके ऊपर कम से कम चर्चा उसको इस हाउस में होना चाहिए मौका मिलेगा तो जब अमेंडमेंट में आएंगे ऐसा मौका नहीं मिलता है मौका मिलेगा वहां भी मौका नहीं मिलता है बिल्कुल मिलेगा जो अमेंडमेंट हम मूव करेंगे तो उस वक्त क्यों हम मूव करेंगे उसका कारण क्या है उसके लिए हमने हम उम्मीद करते हैं सरकार उसके ऊपर मंत्री महोदय जेटली जी बहुत ही सूझबूझ के मंत्री है और उनको मालूम है सब हम आशा करते हैं कि उसको सम्मान करते हुए और हमारे जैसे राज्यों को जहाँ पे आज तक बैंक भी नहीं है पंचायतों में लंबी दूरी तक बैंक नहीं है पहाड़ियों तक लोग अभी तक कार्ड बना नहीं पाए हैं और
जहां तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, इसीलिए इसको 20%, 30%, 30%, 20% करके इसको फेज मैनर में करने की मैं आपको आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करता हूं। और छत्तीसगढ़ से लेके आपका स्टेट झारखंड से लेके बिहार यूपी बुंदेलखंड से लेके विदर्भ से लेके पूरा देश ऐसा है जहां पे आपके राजस्थान के वहां पे भी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है आज इंडिया में। थैंक यू। यूपी डिवाइड होने के बाद राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। वहां तक सबके घर में आधार पहुंचना संभव नहीं हो पाया, इसीलिए इसको फेज मैनर में करने के लिए मैं आपको उम्मीद करता हूं सरकार उसके ऊपर राजी होंगे। धन्यवाद सर।